हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड यहाँ पर दोस्तों जो रियलमी C11, C12 एंड C15 है, इन डिवाइसेस के लिए यहाँ पर जो नया अक्टूबर का अपडेट है वो रोल्ड आउट होना स्टार्ट हो चुका है। वेल ये जो वीडियो है वो एक दिन डिले जा रही है, बट स्टिल यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो इन सभी फ़ोनों में जो अपडेट है वो रोल्ड आउट होना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर जो अपडेट है वो कोई खास बड़ा अपडेट तो नहीं है, बट जो भी आपको अपडेट देखने को मिल रहा है वो सेप्टेम्बर के सिक्योरिटी पैच के साथ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो अक्टूबर का अपडेट है वो सेप्टेम्बर के सिक्योरिटी पैच के साथ आ रहा है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रहा है। और ये जो तीनों ही फ़ोन में जो अपडेट पुश किया गया है वो एग्जैक्टली सेम अपडेट है, यहाँ पर कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। इवन नाम तक भी यहाँ पर सेम निकल करके आ रहा है। यहाँ पर 8.75 के नाम से ही जो अपडेट है वो रोल आउट हो रहा है। इससे पहले आपको मैं इसे अपडेट के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दूं। अगर आप मेरे चैनल पे दोस्तों नए आ रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से रेगुलरली मैं इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और आपको अपडेट से अपडेट रखता हूँ रियलमी के। तो प्लीज़ यार कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि आप में से 97% से ज़्यादा लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को देखते हैं लेकिन फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ यार कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या अपडेट में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सितंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है, जो कि 8.75 के नाम से यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कैमरा की जो परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑप्टिमाइज द फ्रंट कैमरा इफेक्ट, तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा का जो इफेक्ट है उसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है। यहाँ पर अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो फिक्स द ब्लैक स्क्रीन इशू ऑफ इनकमिंग कॉल, तो इनकमिंग कॉल के टाइम पर ब्लैक स्क्रीन इशू आ रहा था वो भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी खास बड़ा अपडेट नहीं दिया गया, लेकिन जैसा कि मैं सारी वीडियोस आपके लिए बनाता हूँ, सारी फोन्स के लिए अपडेट पर वीडियो बनाता हूँ, तो ये भी बनाना ज़रूरी था, आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी आपसे बात की जाए, आपको बताया जाए कि हाँ ये जो अपडेट है वो इस बार रोल्ड आउट किया गया है। वेल, इसका जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूँ कि कितना साइज़ होगा ये तो मेरे को नहीं पता है, बट एक बार चेकआउट कर लेता हूँ कि यहाँ पर हो सकता है किसी ने अपडेट कर रखा हो, तो मे भी हम लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पर जो इसका साइज़ है वो क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अक्टूबर का ये जो अपडेट है वो यहाँ पर दे रखा है, और नीचे देख लेते हैं, हो सकता है किसी ने दे रखा हो। तो दोस्तों मैंने पूरा छान मारा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिला जो कि अपडेट जिसमें पुश किया गया हो और उसने कुछ साइज़ वगैरह मेंशन किया हो। तो बट यहाँ पर जो अपडेट है वो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अगर आपको मिला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। और यहाँ पर तो मुझे यार कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है फ़िलहाल अभी। अगर आप में से किसी को मिला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना क्या आप में से किसी को अपडेट मिला है या फिर नहीं। तो दोस्तों बस फ़िलहाल वीडियो में इतना था, एंड होप करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। और प्लीज़ आप में से अगर किसी को मिला होगा तो मुझे इसका साइज़ ज़रूर बताना कि इसका साइज़ आपको क्या देखने को मिलता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी सोशल मीडिया की लिंक्स मिल जाएगी, तो जाकर के फॉलो ज़रूर से कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।